रात को करीब 4:30 से 5 के बीच में पेशेंट आया था, और आने के बाद में यहाँ जो सीधा इमरजेंसी में आया था। जब इमरजेंसी में हमारे यहाँ जो मेडिसिन के रेजिडेंट, इमरजेंसी मेडिसिन रेजिडेंट और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर है ना, उन्होंने उसको एग्जामिन किया तो उसकी पल्स और हार्ट नहीं थे, और इमिडिएटली फिर उसका ECG किया गया तो वो भी स्ट्रेट लाइन था। तो वहाँ जो भी दोनों तीनों अपने मेडिसिन के और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद में पाया कि ये ब्रॉड डेड पेशेंट है। उसकी ECG की गई, ECG में स्ट्रेट लाइन थी। तो ऐसे पेशेंट को फिर जब ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था तो उसके बाद में उन्होंने इसको मोर्चूर में शिफ्ट करा अच्छा, दिया। रेफर किया गया था तो उसको क्या लिखवा था रेफर नोट पे, और क्या वहां पे पोस्टमार्टम भी हुआ था? देखिए वहाँ की क्या स्थिति है, मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसे बताया, पोस्टमार्टम तो उसका हुआ बता रहे हैं अपने पास। उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था। जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूज़न चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था। तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। जब यहाँ पहुँचा तो वो कम्प्लीट, उसका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रखा था, ECG किया तो स्ट्रेट लाइन था। तो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करके और फिर यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था। और अभी एक मेडिकल बोर्ड द्वारा, जब भी वहाँ की पुलिस झुंझुनू से और अपने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे, तो एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट है वो क्या सर, किया आपका जाएगा। मेडिकल साइंस इस बात को मानता है सर कि एक आदमी जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया वहां पर, उसमें विश्राम सब निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है, उसके बाद वो जिंदा हो जाता ढाई है? घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा जाता देखिए दो अलग अलग बातें हैं। अगर पोस्टमार्टम किसी का हो जाता तो उसके बाद में जिंदा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। पोस्टमार्टम में अगर विसरा निकाल लिए जाते हैं ओपन करके, और तो उसके बाद तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि दोबारा से हार्ट आ जाए। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर जैसे कई बार यंग पेशेंट होता है और कार्डियक अरेस्ट उसको हो जाता है, कोशिश करते हैं कि उसको CPR द्वारा तो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, कई बार वो रिवाइव नहीं होता है और ऐसी कंडीशंस में उसको अपन डीप फ्रीजर रख देते हैं। तो आजकल एक ये हाइपोथर्मिया करके, जो ब्रेन डेड जिनका हार्ट अरेस्ट हो जाता है और ब्रेन डेड हो जाता है, तो हाइपोथर्मिया एक ऑफिशियल उनका ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत रेयर केसेस में कई बार ऐसा होता है कि हार्ट वापस आ जाए, सर लेकिन क्या निश्चित रूप से पोस्टमार्टम होने के बाद में ऐसी कोई क्या कंडीशन नहीं रोहिताश होती। की कोई किसी परिजन ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की या मोर्चरी में संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ये मुंहपुर बधिर पेशेंट था और वहाँ एक जो अनाथालय या इनका जो केयर हाउस चलता है वहाँ पर ये रहता था। वहाँ पर भी शायद ये ज़्यादा लंबे समय नहीं था, कुछ थी, और इसको इमरजेंसी में ही वहाँ झुंझुनू अस्पताल में ले गए थे। वहाँ डॉक्टर्स ने देखा होगा उस समय इसकी हार्ट नहीं चल रही थी, शायद ECG भी जो पेपर में आया है ECG की भी स्ट्रेट लाइन थी। उसके बाद में उसको शायद डीप फ्रीजर में रखा था, और बाद में जब जिस संस्थान में वो रह रहा था वहाँ से जब वो फ्यूनरल के लिए लेके, तो वहाँ एक्टिविटीज आई, उसके बाद से वापस से अस्पताल में लाए थे और ब्लड प्रेशर वो काफ़ी लो था, तो उन्होंने दवाइयाँ चालू करके और जयपुर रेफर कर दिया था। लेकिन जब तक यहाँ आया तब तक उसका हार्ट।